चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। आज की क्लास में हम बात करने वाले ग्रुप 5 के पेपर की। रिसेंट में नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, बट मैं आप सभी को एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि ये क्वेश्चन ओनली ग्रुप 5 के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पर जो भी लोग स्पेशली स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर का पेपर देते हैं, वो लोग इस पेपर को ज़रूर देखना कि जो ग्रुप 5 का पेपर है किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। ना तो ऐसा पेपर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ के लिए अभी तक आया है, और ना ही SGPGI जो रिसेंट में पेपर हुआ था, इतना हार्ड पेपर वहाँ भी नहीं आया था। इसलिए पेपर आपके साथ हम सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पेपर SGPGI से लेके आप कोई सा भी नर्सिंग ऑफिसर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम या फिर कंडक्ट करवाता है तो पहले तो व्यापम करवाता था, बट यहाँ पर MPPEB इस साल पेपर नहीं करवाएगा। MPPEB की जगह MPSB पेपर करवाएगा, जो एग्जामिनेशन सिलेक्शन बोर्ड है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इस बार उस पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी ओनली नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ग्रुप 5 का कि फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब पहले MPPEB करवाता था, लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड इस बार से आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा। तो जो भी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं MP ग्रुप 5 के अलावा, बता दूँ MP ग्रुप 5 के अलावा जो लोग SGPGI की क्लासेस देखते हैं या फिर आप जो भी पढ़ते हैं, वो लोग भी इस क्लास को ज़रूर देखना। आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको नए क्वेश्चन पता चलेंगे कि आपको और किस तरीके से पेपर है जो आ सकता है। तो यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट है, ऐसे 3 पेपर हैं जो नवंबर 2022 में कंडक्ट करवाए गए थे। 25 और 26 नवंबर को कंडक्ट हुए थे, 3 पेपर हुए थे, 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे। वो तो तीनों पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, साथ ही साथ जो आपकी क्लासेस सीरीज़ वाइज वो अलग चलेंगी, तो आप सभी क्लासेस को ज्वाइन किए रहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपके लिए, विच एडवर्स इफेक्ट अकर्स वेन देयर इज टू रैपिड एन इन्फ्यूज़न ऑफ TPN सॉल्यूशन। तो जब TPN सॉल्यूशन को क्या करते हैं आप, एडमिनिस्टर करते हैं, TPN सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर करते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आप एडमिनिस्टर करते हैं, यदि आपने उसको फास्ट तरीके से इन्फ्यूज़ कर दिया तो क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड या फिर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब यहाँ पर आपको TPN का कंपोजिशन एग्ज़ाम में आता है, तो TPN में जो मिक्सचर होता है अमीनो एसिड, जो प्रोटीन फॉर्म है वो अमीनो एसिड में होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जब TPN बैग भी आपको एग्ज़ाम में आता है जो येलो कलर का रहता है, येलो 3 इसमें सेपरेट लिपिड रहेगा, इसमें लिपिड होगा, डेक्स्ट्रोज होगा, अमीनो एसिड होगा। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को यदि आपने फास्ट तरीके से TPN सॉल्यूशन को क्या कर दिया, इन्फ्यूज़ कर दिया, तो क्या होने के चांसेस रहेंगे, आप लोग यहाँ पे आंसर अपना मार्क कीजिए कि क्या होगा यदि आपने फास्ट इन्फ्यूज़ कर दिया। तो यदि आप TPN को ज़्यादा फास्ट तरीके से इन्फ्यूज़ करते हैं, मतलब चढ़ाते हैं जो आप TPN दे रहे हैं, तब सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, फ्लूड ओवरलोड हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, इवन किसी किसी केस में पल्मोनरी फंक्शन में भी इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी। सीधा सा आपको यही याद रखना है, मान लीजिए आपने कोई भी, आप जब ब्लड भी इन्फ्यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको क्वेश्चन आते हैं कि यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं पर्सन में क्या चीज़ें हैं जिसके कारण आप क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर आपने ब्लड का पढ़ा हुआ है कि ब्लड जब आप ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो किस केस में आपको ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है, सेम ऐसे यहाँ पर भी है कि यदि आपने TPN सॉल्यूशन ज़्यादा फास्ट तरीके से इन्फ्यूज़ किया तो आपने यदि ज़्यादा फास्ट तरीके से इन्फ्यूज़ किया तो पर्सन में सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए TPN को स्लो ही इन्फ्यूज़ किया जाता है। TPN का कंपोनेंट आपको एग्ज़ाम में आता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का जो कंपोनेंट है, क्या है कंपोनेंट है इसके, कंपोजिशन है जो एग्ज़ाम में यदि आपको आता है, तो इसमें लिपिड रहेगा,
डेक्सट्रोज होगा, अमीनो एसिड होगा, मेन तो इसके यही रहते हैं, फिर इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, मिनरल्स भी रहेंगे, लेकिन मेनली जो टीपीएन में जो मेन चीज़ें होती हैं वो यही लिपिड मतलब फैट वाला अमाउंट, डेक्सट्रोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कंपोनेंट ऑफ साइकोसोशल असेसमेंट। जब आप साइकोसोशल असेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होगा? ऑप्शन में इंटरव्यू विद द पेशेंट, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट रिपोर्ट या फिर प्री जजमेंटल। क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि साइकोसोशल असेसमेंट होता क्या है। क्या है साइकोसोशल असेसमेंट है क्या, जब तो आप कर पाएंगे। जैसे आप फिजिकल असेसमेंट करते हैं वैसे ही यहाँ पर साइकोसोशल असेसमेंट भी किया जाता है। तो इस साइकोसोशल असेसमेंट में आपका जो मेंटली चीज़ें हैं वो चेक की जाती हैं। इसमें एक तरीके से हम इसको मेंटल हेल्थ के बारे में भी कंपेयर करके रख सकते हैं। इसमें पर्सन की मेंटल हेल्थ चेक की जाएगी, फंक्शनल कैपेसिटी चेक की जाएगी, इमोशनल कैपेसिटी चेक की जाएगी। लैब टेस्ट रिपोर्ट से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि उसके जो भी केमिकल्स बैलेंस है बॉडी का, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, वो सभी प्रॉपर तरीके से है नहीं। इंटरव्यू किया जाएगा पेशेंट का जिससे आपको पता चलेगा कि पर्सन की मेंटल कंडीशन क्या है। MSE कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको प्री जजमेंटल नहीं होना है। क्या है यहाँ पर प्री जजमेंटल, यहाँ पे आपको नहीं होना है। तो प्री जजमेंटल यहाँ पर आपको क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप पर्सन के को जाने बिना ही, उसको जाने बिना ही आप अपना जो भी आपने असेसमेंट किया उसके बारे में सब कुछ बता दिया, बिना उसका इंटरव्यू लिए, बिना उसका MSE चेक किए, बिना लैब टेस्ट रिपोर्ट के, बिना उससे बात किए, बिना कॉन्टैक्ट किए आपने उसके बारे में सब चीज़ें क्लियर कर दी कि नहीं ये तो दिमाग से क्या है कमज़ोर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्री जजमेंटल। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिन्हाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, स्पेशली ग्रुप फाइव में तो ये दो या तीन बार तक आ चुका है। 2013 में आया था, 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया है। सिन्हाल का मतलब क्या है? कलेक्टिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अप्लाइड हेल्थ लिटरेचर, कंसनट्रेटेड इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर, क्यूमिनेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड अप्लाइड हेल्थ लिटरेचर, या फिर क्यूमिलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। तो यहाँ पर सिन्हाल का मतलब क्या है? सिन्हाल डेटाबेस के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर सिन्हाल का मतलब है क्यूमिलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। क्या है? क्यूमिलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। इसका यूज़ जनरली रिसर्च में, जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं, एक तरीके का जनरल है। क्या है? जनरल है, जिसमें नर्सिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो सिन्हाल का यूज़ है जनरली रिसर्च के फील्ड में किया जाता है। आपको बेसिकली यहाँ पे यही याद रखना है, फुल फॉर्म इसका एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट वन इज द विच मेथड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू मेजर्स। तो टू मेजर्स के बीच की जो रिलेशनशिप है वो क्या है? मीन है, कोरिलेशन है, मीडियम है कि चाई स्क्वायर है? ये आपने रिसर्च में फाइनल ईयर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि दो मेजर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है कोरिलेशन। क्या है? कोरिलेशन। स्टैटिक्स में यदि आप पढ़ते हैं तो मेनली आपको स्टैटिक्स में ही आता है। कोरिलेशन का मतलब है कि जब दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट करते हुए रहें, तो यहाँ पर वही कि जब दो मेजर्स एक दूसरे से रिलेट करते हो तो रिलेशन क्या कहलाएगा? कोरिलेशन। मीन मीडियन मोड आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव रिसर्च approach is used to collect and analyze data that cannot be represented by।
तो क्वालिटेटिव रिसर्च, आपने दो तरीके की रिसर्च डिजाइन पढ़ी, एक होती है क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर कहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं होगा, नंबर रिप्रेजेंट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट नहीं होगा, टर्म्स या फिर क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसमें बस एक माइनर सा फ़र्क है, वो आपको ये याद रखना है। क्वालिटी में कॉन्सेप्ट आएगा, टर्म आएगा, क्वालिटी आएगी कितना अमाउंट है वो आएगा, लेकिन क्वांटिटी, क्वांटिटी में नंबरिंग आती है हमेशा कि कितना, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल चीज़ है, नंबरिंग में आप उनको काउंट कर सकते हैं, वो किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में, ना कि क्वालिटेटिव में। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में क्या है जो डेटा जब आप एनालिसिस करते हैं क्या है जो रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, तो वो होगा नंबर, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव में होगा ना कि क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में कॉन्सेप्ट होगा, टर्म्स होगी, क्वालिटी होगी, लेकिन नंबरिंग यूज़ नहीं की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, नेम द सैम्पलिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एवरी केथ केस फ्रॉम अ लिस्ट। तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की जाएगी, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की जाएगी जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केथ केस को लिस्ट बना रहे हैं, कहलाएगी, ये कहलाएगी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कैसे होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइज्ड या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग टेक्निक होगी, एवरी केस में यूज़ की जाएगी, यदि यहाँ पर लिस्ट वाइज आप करते हैं तो वो यहाँ पर क्या होगी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मतलब यहाँ पर नंबर में बात की जा रही है, KTH का मतलब यहाँ पर आप NV मान सकते हैं, नंबरिंग में कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वो होगी आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग है यहाँ पर कहा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि आपको किसी क्लास में जाके, मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई ऐसा डेटा कलेक्ट करना है जहाँ पर इक्वल चांस हो, हर एक चीज़ में इक्वल चांस हो, तो वो होगी रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड, तो यहाँ पर स्मॉल ग्रुप के लिए जनरली यूज़ की जाती है। फाइंडिंग आउट ऑफ अ फेवरेट शॉप ओपेरा फ्रॉम डिफरेंट एज कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ ईयर ग्रुप। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड है, जो सैम्पलिंग की टेक्निक होती है, इनमें से यदि आपको क्वेश्चन आता है तो यदि नंबरिंग की बात की जाए सैम्पलिंग टेक्निक में नंबर्स को लेके, तो वो कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। रैंडम में आएगा आपको कि सेम एज के या फिर सेम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आप किसी को, कोई क्लास में जाके आप किसी ग्रुप में जाके, तो वो भी रैंडमली। फिर होता है सिस्टमेटिक, तो यहाँ पर सिस्टमेटिक में नंबर वाइज हो गए। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है कि अ लिस्ट ऑफ पीपल विद देयर फर्स्ट नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर नंबर्ड, द फिफ्थ पर्सन इज चूजन रैंडमली। मतलब मान लीजिए मेरा नाम कीर्ति है, तो ए से के तक जितने नंबर्स में आएंगे, फिर उनमें से आपको अल्फाबेटिकली कोई एक चूज़ करना है, तो किस में आएगा आपका, सिस्टमेटिक में। नॉन रैंडम में आप किसी को भी उठा लीजिए, किसी के ऊपर भी जाके आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, नॉन रैंडम में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका, व्हाट इज़ द नॉर्मल लीथियम इन ब्लड, यहाँ पर ब्लड लीथियम लेवल क्या है, यहाँ पर ब्लड लीथियम लेवल कितना होना चाहिए। ब्लड लीथियम लेवल का मतलब ये नहीं कि आप लीथियम खा लो, जो लीथियम है ये मैनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, मैनिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लीथियम। अब यहाँ पर इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, यदि जिस पर्सन को क्या दिया जा रहा है, मैनिया का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसमें टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, लिथियम टॉक्सिसिटी होने के। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 0.62 1.6 mg/L, कितना 0.62 1.6 mg/L। यहाँ पर लिथियम के साइड इफेक्ट होते हैं, वो होता है ल्यूकोसाइटोसिस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ट्रिमर देखने को मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, स्लीपी फील करेंगे आप, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी होने के चांसेस रहेगी आपको, कार्डियोटॉक्सिसिटी भी होगी,
लेकिन यदि यहाँ पर आपको बात की जाती है लिथियम को लेके, तो यहाँ पर इसका जो मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, लिथियम यूज़ क्यों किया जाता है मैनिया को ट्रीट करने में, मूड डिसऑर्डर में, और यहाँ पर इसका जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है। तो नॉर्मल आपकी बॉडी में पहले से ही लिथियम नहीं होता है, उस लिथियम लेवल की बात की जा रही है जो कि आपको ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा, जितना आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा होता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप हो। द कंपोजिशन ऑफ हिंड ब्रेन आर, हिंड ब्रेन के कंपोजिशन क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर पॉन्स सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एंड पॉन्स, कॉर्टेक्स थैलेमस एंड सेरिबेलम, या फिर मेडुला पॉन्स एंड सेरिबेलम। तो हिंड ब्रेन के कंपोजिशन कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या पार्ट है हिंड ब्रेन के? तो हिंड ब्रेन मिलके बना होता है मेडुला पॉन्स सेरिबेलम से। किससे? मेडुला पॉन्स सेरिबेलम, मेन इसके जो पार्ट होते हैं तीन ही होते हैं, पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो आपको ये तीनों पार्ट हैं जो याद रखना है, हिंड ब्रेन के आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और इनका जो मेन काम होता है, जैसे सेरिबेलम हो गया, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, और जो पॉन्स है इम्पल्स को कैरी करेगा ताकि बॉडी का जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एक्सेप्ट। मेंटल हेल्थ के सभी पॉइंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ये बिल्कुल होना चाहिए, यदि आप मेंटली फिट हैं तो आपको रियलिटी का आभास होना चाहिए। इंटीग्रेशन, ऑटोनॉमी, इलॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग होता तो आप इसको मार्क नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कहा है कि मेंटल हेल्थ के सभी एस्पेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा इलॉजिकल थिंकिंग। क्या होगी? इलॉजिकल थिंकिंग। इंटीग्रेशन का मतलब है रेशियल, क्या है? रेशियल मतलब आप किसी भी जो मेल फीमेल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप इनमें एक तरीके का डिफरेंस नहीं करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। ऑटोनॉमी होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, आपके आसपास क्या चल रहा है वो सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? इलॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट वन इज़ द विच इज़ नॉट अ रिटर्न रिसर्च रिव्यू, कौन सा है जो रिटर्न रिसर्च का रिव्यू नहीं है? पेपर प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंस, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन जर्नल्स, अ रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस और डिसर्टेशन। रिसर्च रिव्यू, रिटर्न रिसर्च रिव्यू का मतलब है यहाँ पर रिटर्न में कोई ऐसी रिसर्च, मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं, मान लीजिए आपने किसी एग्ज़ाम में पेपर दिया, आपको दो तीन दिन का टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्शन लगाने का, कि आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको साथ में कहा जाता है कि रेफरेंस कोई अच्छी बुक का होना चाहिए, अच्छी वेबसाइट का होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि रिटर्न रिसर्च रिव्यू कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर जनरल्स होंगे, जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जनरल में वो होंगे, रिसर्च रिपोर्ट होगी, थीसिस होगी, लेकिन कोई सा भी पेपर मैंने ही जाके कॉन्फ्रेंस में दे दिया तो वो आपका रिटर्न रिसर्च में नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये आपके रिव्यू में नहीं आएगा। थीसिस आप बनाते हैं, आपके टीचर्स चेक करते हैं, कोई चेंज होते हैं वो फिर से आपको भगा देंगे कि फिर से चेंज करके लाओ। रिसर्च रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं तो उसको भी दोबारा से चेक किया जाएगा। कोई भी आर्टिकल्स डायरेक्ट सीधे जनरल में पब्लिश नहीं होगा, उसको पहले चेक किया जाएगा, लेकिन कोई भी पेपर आपने जाके कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर दिया उसको तो रीचेक ही नहीं किया गया है, तो वो आपका रिटर्न रिसर्च रिव्यू में नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइट ब्लड सेल रिकॉग्निशन। तो वाइट ब्लड सेल रिकॉग्निशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्या है जो जरूरी है WBC रिकॉग्निशन के लिए, वाइट ब्लड सेल रिकॉग्निशन के लिए? तो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है जो WBC को इनिशिएट करेगा कि आप दूसरी सेल्स को पहचानिए कि अच्छी हैं या बुरी हैं। इन सभी की पहचान करने को कौन कहेगा? तो ये कहेगा आपको क्या? ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसीलिए यहाँ पर WBC रिकॉग्निशन के लिए ज़रूरी है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट वन इज़
आफ्टर एन इंग्वाइनल हर्नियोग्राफी नर्स हु डसेस द मेल क्लाइंट केयरफुली फॉर विच कॉम्प्लिकेशन इंग्वाइनल हर्नियोग्राफी, रेफी का मतलब होगा यहाँ पर जो एक हर्नियोग्राफी जब वर्ड यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर रेफी वर्ड जब भी जुड़ जाए इसका मतलब होगा कि यहाँ पर इसको खोल के फिर से क्या किया गया है, चेक किया गया है, सॉरी रिपेयर किया गया, हर्निया रिपेयर किया गया है जिसमें, तो यहाँ पर जो हर्नियोग्राफी है यदि किसी पर्सन की हर्नियोग्राफी की जाती है तो हर्नियोग्राफी करने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ आप प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, डीबीटी चेक करेंगे, हाइपोस्टेटिक निमोनिया चेक करेंगे, पैरालिटिक इलियस चेक करेंगे कि यूरिनरी रिटेंशन चेक करेंगे। तो जब भी पर्सन की हर्नियोग्राफी या फिर हर्नियोप्लास्टी की जाती है तो यहाँ पर जो चीज़ चेक की जाती है वो होती है यूरिन रिटेंशन। क्या होगा, यूरिन रिटेंशन को चेक किया जाएगा मेल क्लाइंट में। नेक्स्ट वन इज अ टेंडेंसी टू हार्म और हर्ट द अदर्स आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली इज कॉल्ड, तो ऐसी टेंडेंसी जिसमें आप अपने आप को या फिर किसी और को या तो फिजिकली या साइकोलॉजिकली, फिजिकली मतलब मार पीट के, साइकोलॉजिकली मतलब गाली गलौज करके उसको हर्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मैटरनल मोटिव, अचीवमेंट मोटिव, पावर मोटिव कि एग्रेसिव मोटिव, ये आपका कहलाएगा अग्रेसिव मोटिव। या तो आपने किसी को गुस्से में पीट दिया या फिर आपने किसी के साथ बहुत गाली गलौज कर दी, उल्टा सीधा बोल दिया, तो हो जाएगा साइकोलॉजिकल हर्ट करना, मेंटली उसको हर्ट करना। तो ये चीज़ें किस में आएंगी, आपकी एग्रेसिव मोटिव में। और किसी किसी की आदत होती है, यहाँ पे कहा है कि टेंडेंसी है, किसी किसी की आदत में ही होता है कि या तो खुद को हार्म करेंगे या फिर किसी दूसरे को करेंगे, वो फिजिकली भी हो सकता है साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, तो होगा एग्रेसिव मोटिव। नेक्स्ट वन इज विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड फॉर असेसमेंट ऑफ मोटार फंक्शन, मोटार फंक्शन में क्या है जो इंक्लूड नहीं होगा, ग्रोथ ऑफ बॉन्स एंड लिगामेंट्स, मसल स्ट्रेंथ, साइज ऑफ द मसल्स, मसल वीकनेस। तो जब भी आप मोटार फंक्शन असिस करते हैं, जब भी आप मोटार फंक्शन असिस करते हैं तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूड नहीं होगा, तो मोटार फंक्शन में आप मसल की स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि क्या कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, मसल्स की साइज क्या है, मसल वीकनेस या नहीं। तो मोटार कंट्रोल में मेनली आपके नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है अपनी आपकी मसल्स के साथ, वो चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है मोटार फंक्शनिंग में। लेकिन आपका बोन्स और लिगामेंट्स की क्या ग्रोथ है ये आपके मोटार फंक्शन में नहीं आएगा, आपके फिजिकली जब आप असेसमेंट करते हैं उसमें आएगा, तो यहाँ पर एक कॉग्नेटिव मोटार फंक्शन में नहीं आएगा। कॉग्नेटिव फंक्शन की बात करें तो आपका मेंटली चीज़ों को चेक किया जा रहा है आप कितने स्वस्थ हैं, मोटार में आपकी मसल्स का नर्वस सिस्टम से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठता है वो चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो इंडिया की पहली कॉटन मिल है जो कहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी, सूरत में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में कि कलकत्ता में, और जिसको अभी रिसेंट कोलकाता कहेंगे हम। तो कॉटन मिल है जो इंडिया की सबसे पहली कॉटन मिल कलकत्ता में 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर के पास में एस्टैब्लिश की गई थी, याद रखना है कलकत्ता में 1818 में पहली इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल मिल को है जो बनाया गया था। लेकिन अभी सबसे पहली पूछे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का स्टेट कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र, याद रखें। यदि लार्जेस्ट लेवल पे कॉटन मिल का जो पूरा मार्केट है वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में, लेकिन पहली कॉटन मिल कहाँ बनी थी इंडिया की, कलकत्ता में 1818 में। नेक्स्ट वन इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी1, विटामिन बी1 का अच्छा सोर्स क्या है, मैंगो, सिट्रस फ्रूट, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स या फिर मिल्क। तो जो विटामिन बी1 है, क्या है, विटामिन बी1 है इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन बी1, जिसको हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसका सबसे अच्छा सोर्स है क्या, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स। नेक्स्ट वन इज द
What is the most important long-term goal for a novice client with hypertension who smokes? यदि कोई person उसको मोटापा है, long-term goal है उसका, यदि वो मोटा है, साथ में blood pressure है, साथ में वो क्या करता है, smoking भी करता है, तो long-term goal उसका क्या होना चाहिए? Take medicine as prescribed. Make a commitment to long-term lifestyle changes. Lose the weight. Stop smoking. फर्स्ट यहाँ पर ये देखिए कि लॉन्ग टर्म गोल में पर्सन क्या है, ओवीज है, बीपी बढ़ता है उसका, स्मोकिंग भी करता है, तो यदि यहाँ पर उसको, यदि उसने स्मोकिंग छोड़ दी तो उसका उससे वजन तो नहीं घटेगा, यदि उसने अपना वेट घटा लिया तो उससे उसका बीपी कंट्रोल तो होगा लेकिन स्मोकिंग तो नहीं छूटेगी। तो ऐसे केस में पर्सन को जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसकी, वो होगी उसको लाइफ स्टाइल को चेंज करना, कि स्मोकिंग तो छोड़ेगा ही, जब आप वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा उसमें अपने आप वो एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने के साथ साथ हेल्दी डाइट लेगा जिससे ओबेसिटी भी उसकी कम होगी, बीपी भी कंट्रोल में आएगा, स्मोकिंग छोड़ेगा। तो यहाँ पर उसको लॉन्ग टर्म गोल रहेगा, शॉर्ट टर्म में तो वो स्टॉप स्मोकिंग कर सकता है, अपना वजन घटा सकता है, मेडिकेशन लेगा तो बीपी कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन यदि उसको लॉन्ग टर्म, यदि हमेशा के लिए अच्छा होना है तो उसको कमिटमेंट करना होगा कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीटी? आरसीटी का फुल फॉर्म क्या है? रैंडमाइजेशन कॉल ट्रायल, रैपिड कंट्रोल्ड ट्रायल, रैपिड कॉल टेस्ट या फिर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। आरसीटी, आरसीटी का फुल फॉर्म बताइए कि क्या होगा। तो आरसीटी का फुल फॉर्म होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। क्या है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। ये जनरली जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इसको अपनाया जाएगा या फिर एक इवैल्यूएशन निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। कोई भी पॉलिसी या फिर रैंडमली आप किसी भी पर्सन में, एलिजिबल पॉपुलेशन में कुछ भी रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर आप आरसीटी के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। नेक्स्ट वन इज द, मिस्टर कुमार एंड मिस्टर रमेश हैव क्लोज इमोशनल बॉन्ड। मिस्टर कुमार एक्सपीरियंस डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आफ्टर सम टाइम। मिस्टर रमेश ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम सिम्टम एज मिस्टर कुमार। विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर द टू आर एक्सपीरियंसिंग? यहाँ पर दो अच्छे दोस्त हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। पहले एक दोस्त को डिल्यूजन फील होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब उसको लगेगा कि दूसरा उसको आके नुकसान पहुंचाने वाला है। फिर कुछ दिनों बाद जो उसका पहला दोस्त है उसको भी लगेगा कि मुझे भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोनों को एक से सिम्टम हो रहे हैं। तो एक क्या है? परसिस्टेंट डिल्यूजन है, इंड्यूस्ड डिल्यूजन है, कैपग्रास डिसऑर्डर है, फिर एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर है। पहली चीज़, साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट पे आने से या ब्लड इन्फ्यूज़ करने से तो आपको नहीं होंगे। ये यहाँ पर आपका किस तरीके का डिल्यूजन है? इंड्यूस्ड डिल्यूजन। आपने मान लिया कि मेरे दोस्त को ये हो रहा है तो आपको भी धीरे धीरे वो चीज़ होने लगेगी। आप मेंटली उसी चीज़ को पूरा दिन रात सोच रहे हैं तो ये आपको भी हो जाएगी। तो एक कहलाएगा आपका इंड्यूस्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, और जो यहाँ पर कैपग्रास है, कैपग्रास सिंड्रोम या फिर हम जिसको कैपग्रास डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, ये भी एक डिल्यूजन ऑफ डबल है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसमें पर्सन को मिस आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में आपको लगता है कि मैं हूँ, मेरे सामने मेरा कोई डुप्लीकेट खड़ा है, इस तरीके से लगा कैपग्रास डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच गोल इज़ द प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट इन एडिसन इन क्राइसिस? यदि किसी पर्सन को एडिसोनियन क्राइसिस है तो यहाँ पर आप उस पर्सन में क्या चीज़ें मैनेज करेंगे? प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, प्रिवेंटिंग इरिवर्सिबल शॉक, कंट्रोलिंग द हाइपरटेंशन एंड रिलीविंग एंजाइटी। पहले तो एडिसोनियन क्राइसिस है क्या? एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जिसमें पर्सन का ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड शुगर लेवल लो होगा, हाई पोटेशियम लेवल होगा। ये तीन चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे मैं इनको ऐड कर देती हूँ कि जो एडिसन क्राइसिस है, तो यहाँ पर एडिसनियन क्राइसिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लो बीपी होगा,
लो ब्लड शुगर लेवल होगा और हाई पोटेशियम लेवल होगा, ये 3 ट्रायड सिम्टम इसके याद रखना है आपको। और कभी कभी इसमें पर्सन को एक ऑटो इम्यून डिसीज़ के नाम से भी कंसीडर कर दिया जाता है, और इसमें पर्सन को तुरंत ही पर्सन को ट्रीटमेंट की, यदि एज सून एज ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पर्सन की जान भी जा सकती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस पे पर्सन को इररिवर्सिबल शॉक से प्रिवेंट करना है। किससे? इररिवर्सिबल शॉक से प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग द हाइपरटेंशन, इसमें बीपी क्या होगा, लो होता है, बढ़ता ही नहीं है, तो ऑप्शन तो आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर फिर आती है इन्फेक्शन की बात, तो इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं है, एंजाइटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पर्सन को इररिवर्सिबल शॉक से प्रिवेंट करना है, क्योंकि पर्सन का बीपी लो हो रहा है मेन, तो ब्लड शुगर लेवल भी घट रहा है, पोटेशियम लेवल भी डाउन जा रहा है। तो ऐसे केस में पर्सन को आप मैनेज कैसे करेंगे, पर्सन में आपको मैनेज करना है कि उसको किसी भी तरीके के शॉक से बचा सकें। नेक्स्ट वन इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। प्राइमरी सोर्स क्या है लिटरेचर रिव्यू का, सॉरी प्राइमरी सोर्स नहीं है लिटरेचर रिव्यू का, रिसर्च रिपोर्ट, ओरिजिनल स्टडी पब्लिश्ड इन जनरल, मोनोग्राफ्स, मेटा एनालिसिस पब्लिश्ड इन जनरल। तो यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू के जो सोर्स है, रिसर्च रिपोर्ट होगी, ओरिजिनल स्टडी होगी कोई भी जनरल में पब्लिश की गई हो, मोनोग्राफ्स होंगे, लेकिन मेटा एनालिसिस जो कि जनरल में पब्लिश किए गए हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट डिटरमाइन द सेट ऑफ स्कोर फॉर टेस्ट। कौन सा क्राइटेरिया होगा जो टेस्ट का स्कोर सेट करेगा, वैलिडिटी, प्रैक्टिबिलिटी, रिलायबिलिटी या फिर नॉर्म्स। तो ये क्राइटेरिया आपका कौन सा होगा, नॉर्म्स। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इनमें से कौन सा नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सिग्नल्स देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे केमिकल्स जो कि सिग्नल सिनेप्सिस के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसमिट करेंगे आपका मैसेज, करें मैसेज को कैरी करेंगे और दूसरे न्यूरॉन को एक से दूसरी जगह पहुँचाएंगे, नेक्स्ट टारगेट सेल तक। लेकिन यहाँ पर वो कौन से नहीं है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन जो नहीं है वो इनमें से क्या है, वो प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ग्लूटामाइन है, गाबा है, एसिटाइल कोलिन है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज असिस्टिंग विद द रिमूवल ऑफ अ सेंट्रल वीनस एक्सिस डिवाइस, द नर्स शुड। तो आप किसी पर्सन का सेंट्रल वीनस डिवाइस है जो रिमूव करते हैं तो आप क्या करेंगे, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, हेल्प द क्लाइंट एक्सेल स्लोली, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, या फिर टर्न द क्लाइंट टू लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर जब आप सेंट्रल वीनस लाइन निकालते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप गहरी सांस लें और उसको होल्ड करें। इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर अ बाइलेटरल एड्रेनलेक्टोमी द क्लाइंट हैज एन इंक्रीज टेम्परेचर, नर्स वुड असिस्ट द क्लाइंट स्पेसिफिकली फॉर साइन ऑफ। तो यदि यहाँ पर किसी पर्सन की बाइलेटरल एड्रेनलेक्टोमी हुआ है तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है यदि उस पर्सन का, किस चीज़ के लिए आप असिस्ट करेंगे, पुअर लंग एक्सपेंशन के लिए, यूटीआई के लिए, वुंड इन्फेक्शन के लिए, कि डिहाइड्रेशन के लिए, किस चीज़ के लिए आप पर्सन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब भी एड्रेनलेक्टोमी या फिर जो एब्डोमिनल सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो ऐसे केस में आपको पर्सन के लिए क्या चीज़ के लिए चेक करना है, पुअर लंग एक्सपेंशन के लिए, क्यों, क्योंकि जो लंग है, लंग्स डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए रहेंगे, एटेलेक्टेसिस देखने को मिलेगा, लंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स होने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है जब भी कोई इस तरीके की सर्जरी की जाती है। तो ऐसे केस में आपको पर्सन के लिए पुअर लंग एक्सपेंशन के लिए क्या करना है, चेक करना है। नेक्स्ट वन इज डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द इंडिविजुअल ट्राइज टू जस्टिफाई वंस अनयूजुअल बिहेवियर इज कॉल्ड। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन किसी दूसरे का
किसी दूसरे का जो बिहेवियर गलत है, मारपीट भी वो करके आए लेकिन उसको सही प्रूफ करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा रैशनलाइजेशन। क्या होगा? रैशनलाइजेशन। प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर होगा आपका किसी पर्सन के जो भी फीलिंग्स है, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, इस तरीके से आप क्या करेंगे उसके बारे में, क्वालिटीज़ हैं जो आप उनके बारे में इन्वॉल्व होंगे और उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी, अनएक्सेप्टेबल चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा है कि आप किसी पर्सन ने कोई गलत काम भी किया है लेकिन उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी कहलाएगी आपकी? रेशनलाइजेशन। और यहाँ पर जो अदर हैं वो आपको एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। यहाँ पर जितने नाम दिए गए हैं ये पॉजिटिव वे में हैं। क्या हैं? पॉजिटिव वे वाली हैं। किसी का डिस्टर्बिंग बिहेवियर भी एक्सेप्ट किया तो रेशनलाइजेशन होगा। सबलिमेशन का मतलब होगा ट्रांसफॉर्मिंग सोशली। रिग्रेशन का मतलब होगा कि आपको आपकी अर्ली लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं आपको उनको लेके क्या है, रिग्रेट है। नेक्स्ट वन इज द पार्टिसिपेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इनटू फिजिकल इलनेस हैज डेवलप्ड इनटू अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को लेके, जिसमें आप फिजिकली भी बीमार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली मेंटली एडजस्ट होते होते आप फिजिकली भी बीमार होने लगेंगे, तो कौन सी ब्रांच कहलाएगी मेडिसिन की? साइकोजेनेटिक, साइकोसोमेटिक मेडिसिन, साइकोथेरेपी या फिर साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इमोशन स्टेटेड दैट फिजियोलॉजिकल चेंजेस फॉलोज द इमोशन। कौन सी थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि जब आपके इमोशंस चेंज होते हैं, सॉरी आपकी जब फिजिकली मतलब आप जो भी काम धाम करते हैं फिजिकल चेंजेस के कारण आपकी जो मेंटली और जो इमोशनल चीज़ें हैं वो भी बदलेंगी, तो ये थ्योरी या फिर एक किसने थ्योरी दी हुई थी, इमोशन थ्योरी भी जिसको हम कहेंगे, तो ये थ्योरी दी थी जेम्स लैंग ने। किन्होंने दी थी? जेम्स लैंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी जब आपकी बॉडी में कुछ भी फिजिकल चेंजेस होंगे तो आपकी मेंटली स्थिति भी बदलेगी, आपके इमोशंस भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी जेम्स लैंग ने। और इस थ्योरी को जेम्स लैंग इमोशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज द विच पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में कौन से पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा? ब्लेसनेस इज एक्सेप्टेबल, अप्रिपिएशन आर एक्सेप्टेबल, नॉन स्पेसिफिक, फोकस ऑन करेंट टॉपिक। कौन से लिटरेचर रिव्यू को रिसेंट में कंसिडर किया जाएगा? तो होंगे करेंट में टॉपिक, रिसेंट में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जो भी नए नए टॉपिक हैं, नई नई रिसर्च होके आ रही हैं, उन चीज़ों पर क्या है जो फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द इन ICD-10 क्राइटेरिया द कैटेगरी असाइंड फॉर सीजोफेनिया सीजोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर इज। तो जो ICD-10 है, क्या है? ICD-10 है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर ICD-10 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है डिसीज का, 10 का फुल फॉर्म आता है तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। अब यहाँ पर 10th वाला है तो इसमें जितनी भी जो ICD-10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा है कि सीजोफेनिया कौन सी क्लास में आएगा, तो ये आता है यहाँ पर ऑप्शन F32, F39। क्या है? F32, F39, F00 to F09, F10 to F19, F20 to F29। तो जो ICD-10 का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट, तो यहाँ पर जो सीजोफेनिया आता है, जो साइजोटल डिसऑर्डर होंगे, डिल्यूजनल डिसऑर्डर होंगे, ये आते हैं किस कैटेगरी में? F20 to F29 तक डिसऑर्डर आते हैं। किस में आएंगे? ये आएंगे सीजोफेनिया, साइजोटाइपल डिल्यूजनल डिसऑर्डर।
और जितनी भी मेंटल और जो बिहेवियरल डिसऑर्डर आते हैं ये आते हैं F002 F99 की कैटेगरी में। ये आपको याद रखना है, जो ICD-10 क्लासिफिकेशन यदि आपको आता है कि ओनली मेंटल जो डिसऑर्डर है उनको लेके, ICD क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेंटल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर यदि ये बस पूछे तो आपको डिफरेंट याद रखना है। लेकिन यहाँ पर यदि आपको कहते हैं कि जो सिजोफेनिया पूछते हैं तो आएगा आपका F20 से F29 तक। यदि डिप्रेशन पूछे, यदि डिप्रेशन आपको पूछते हैं तो वो आएगा आपका F42 F48 तक। यदि यहाँ पर आपको डिमेंशिया पूछते हैं तो आएगा आपका F002 F09 तक। वहाँ पर आपको ये बेसिकली याद रखना, साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज मतलब एल्कोहलिज्म वाले हो गए आपके, ये सब पूछेंगे आपसे तो आपको F10 to F19 तक। फिर F20 to F29 तक क्या आएगा आपका सिजोफेनिया डिल्यूशनल डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हेन डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम द नर्स फोकस ऑन एक्टिविटीज टू इंक्रीज विच फैक्टर फॉर पेरेंट्स। तो यहाँ पर यदि बच्चा डाउन सिंड्रोम है जिसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं हम, तो आप टीचिंग प्लान पेरेंट्स के लिए बनाएंगे कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से देख सकते हैं, क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, क्या चीज़ें आप ऐड करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चाइल्ड वेलफेयर, अंडरस्टैंडिंग देयर चाइल्ड डिसेबिलिटी, कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू केयर फॉर देयर चाइल्ड या फिर अफेक्शन फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप किसी पेरेंट्स के लिए, बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो आप उसके लिए जब कोई केयर प्लान बनाते हैं, टीचिंग प्लान बनाते हैं स्पेशली, तो आपको उसमें ऐड करना है कि पेरेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसका बच्चा ये चीज़ कर सकता है। एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे पे, आप जब उसकी केयर करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि आप ये जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है आप उसकी केयर कितने अच्छे से कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन, द स्टार्चेस एंड शुगर फाउंड इन फूड स्पेशली इन प्लांट बेस्ड फूड दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो प्लांट बेस्ड फूड में स्टार्च रहेगा, शुगर रहेगी, तो किसका मेन सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का कि प्रोटीन का। तो जो शुगर है प्लांट बेस्ड फूड में, स्टार्च है, ये सब किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट वन इज़ द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्डोट्रायोज। तो यहाँ पर एल्डोट्रायोज कौन सा है, ग्लिसरेल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबुलोज या फिर एरिथ्रोज। तो एल्डोट्रायोज यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर जो एल्डोट्रायोज है, क्या है, एल्डोट्रायोज है वो कौन सा है, तो एल्डोट्रायोज को मोनोसैकेराइड्स के नाम है जिसमें एल्डिहाइड भी होगा और कार्बन भी होगा। कार्बन, तो एल्डो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका कि एल्डिहाइड, और कार्बन जो कि ट्रायोज है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें किस में होंगी, ग्लिसरेल्डिहाइड में, किसमें, ग्लिसरेल्डिहाइड में। सिंपल फॉर्म क्या है एल्डोट्रायोज का, ग्लिसरेल्डिहाइड। और एल्डोट्रायोज क्या है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का मतलब इसमें एक एल्डिहाइड है और तीन कार्बन कंपाउंड है, जो कि ट्रायोज, थ्री मतलब ट्राई है, यहाँ पर क्या हो गया, तीन कार्बन कंपाउंड है और एक यहाँ पर एल्डिहाइड कंपाउंड है, तो वो हो जाएगा ग्लिसरेल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज़ द, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द एनर्जी प्रोड्यूसर। तो इनमें से एनर्जी प्रोड्यूसर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन फैट, कार्बोहाइड्रेट फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। नेक्स्ट वन इज, विच कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर। तो बॉडी बिल्डर फूड हमेशा आता है तो क्या है, प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है कि कार्बोहाइड्रेट है। सबको पता है मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है इनमें से, प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज़ द अराउजल ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलेशन ऑफ। तो यहाँ पर जो अराउजल ऑफ कॉर्टेक्स है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किससे स्टिमुलेट होगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन से, EEG सिंक्रोनाइजेशन से, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स से, कि कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन से, तो किससे क्या होगा, स्टिमुलेट होगा।
तो ये होगा रेटिकुलर फॉर्मेशन से, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको हम रास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पर्सन के जो भी उठना बैठना खाना पीना ये सभी इन चीज़ों से होगा, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और रेटिकुलर फॉर्मेशन से क्या होगा, जो स्टिमुलेट होगा आपका जो कॉर्टेक्स है, क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। नेक्स्ट वन, विच स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस रिसर्चर शुड स्टार्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिसर्च की प्रोसेस आपने पढ़ी है तो कौन सी स्टेज पे जाके रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेगा कोई भी रिसर्चर, जो उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है रिसर्चर, वो किस स्टेज पे जाके रिव्यू करेगा उस लिटरेचर को। एट द एंड ऑफ रिसर्च प्रोसेस, अर्ली इन द रिसर्च प्रोसेस, इन द मिडस्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, एफ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी स्टेज। हमेशा ज़रूरत होती है रिव्यू करने की किसी भी लिटरेचर को, और ये चीज़ रिसर्चर स्टार्टिंग में ही, जब रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करता है उसी टाइम पर रिव्यू करने का काम भी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अर्ली इन द रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट वन, अब्राहम मास्लो हेयर की थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज। तो अब्राहम मास्लो की जो हेयर की थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाती है, ऑप्शन में है यहाँ पर, पर्सनालिटी थ्योरी, ट्राई एंड एरर थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी या फिर इंटेलिजेंट थ्योरी। तो ये किस नाम से जानी जाती है, मास्लो की हेयर की नीड थ्योरी सबने पढ़ी है, तो मास्लो की जो थ्योरी है, मास्लो की जो हेयर की थ्योरी है, तो यहाँ पर ये किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है मोटिवेशनल थ्योरी के नाम से। किसके, मोटिवेशनल थ्योरी के नाम से। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, फर्स्ट नीड आपकी होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी, दूसरी होती है सेफ्टी वाली नीड, तीसरा सोशल, फोर्थ आती है स्टीम, और लास्ट वन आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको फिजियोलॉजिकल में स्लीप, सेक्स, वाटर, फूड, ब्रीदिंग, ये सब आएगा। सेफ्टी में आपके पास घर पैसा होना चाहिए। फिर थर्ड आती है बिलोंगिंग, लव, तो यहाँ पर आपका फ्रेंडशिप होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए आपकी। फिर आती है सेल्फ स्टीम, लास्ट वन आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये क्या है, मोटिवेशनल थ्योरी है अब्राहम मास्लो की। नेक्स्ट वन इज द साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज्ड टू मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसमें पर्सन का, इंडिविजुअल का एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट है, इंटेलिजेंट टेस्ट, इमोशनल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जिसमें पर्सन का एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा वो कहलाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जैसे आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं तो इसीलिए पूछे जाते हैं कि आपकी कितनी क्षमता है कि आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आते हैं या नहीं, तो वही है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट वन, ओवेरियम एनीमा इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अ क्लाइंट विद डायवर्टिकुलाइटिस बिकॉज ऑफ ओवेरियम एनीमा। तो बेरियम एनीमा यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट पर यदि किसी पर्सन को डायवर्टिकुलाइटिस है तो उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों, इट कैन परफोरेट एन इंटेस्टाइनल एब्सेस, वुड ग्रेटली इंक्रीज द क्लाइंट्स पेन, इज ऑफ मिनिमल वैल्यू इन डायवर्टिकुलाइटिस, इज टू लेंथी अ प्रोसीजर फॉर अ क्लाइंट टू टॉलरेट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेरियम एनीमा है ये डायवर्टिकुलाइटिस के पर्सन को क्यों नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर डायवर्टिकुलाइटिस, जिसको कोलोनिक डायवर्टिकुलाइटिस भी कहेंगे, जिसमें इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, या तो स्मॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो ऐसे केस में जब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है और आपने यदि बेरियम एनीमा दिया, तो यहाँ पर उसके जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है किसी एरिया में पस हो या फिर किसी एरिया में कुछ फ्लूड एक्यूमुलेट हुआ हो, तो उसको क्या करेगा, बस्ट करेगा, परफोरेट कर सकता है। तो इसीलिए बेरियम एनीमा यदि किसी पर्सन को डायवर्टिकुलाइटिस है तो यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वाटर की प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस आपने 12th क्लास में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस है जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करेंगे या फिर अदर ऑर्गेनिज्म है, लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे।
तो जो लाइट एनर्जी है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम जिसको कहते हैं, धूप खींच के अपने अंदर एनर्जी का काम में प्लांट करते हैं, और ये काम कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चूजन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एप्टीट्यूड। क्या है जो किसी पर्सन के एप्टीट्यूड के हिसाब से चूज नहीं किया जा सकता? एजुकेशन, लाइफ डिजायर, प्रोफेशन या फिर इंटरेस्ट। एजुकेशन चूज कर सकते हैं आप, प्रोफेशन अपना सकते हैं, इंटरेस्ट अपना सकते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छाएँ वो आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। आप मान लीजिए किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से नहीं होंगी। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से नहीं चुन सकते वो होंगी लाइफ की डिजायर, इच्छाएँ। नेक्स्ट वन, गाल्वनिक स्किन रिस्पॉन्स रिफर्स टू। तो गाल्वनिक स्किन रिस्पॉन्स कब होगा? बायो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इन स्किन, कंडक्शन ऑफ स्किन, इलेक्ट्रिक सेल्स टू स्किन या फिर स्किन डैमेज ड्यू टू हीट। तो यहाँ पर कहा है कि गाल्वनिक स्किन रिस्पॉन्स या फिर गाल्वनिक स्किन कंडक्शन भी इसको हम कहेंगे, ये होगा बायो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इन स्किन के कारण। जब आपको यहाँ पर जो EDA इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी की जाती है स्वेट ग्लैंड को चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो भी चेक किया जाएगी चीज़ें आपकी, तो वो कहलाएगा गाल्वनिक स्किन रिस्पॉन्स। और कंडक्टेंस है आपको इलेक्ट्रिक जो बहुत ही कम वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टच कराया जाएगा, पता किया जाएगा, तो ये क्या होगा? बायो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इन स्किन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। विटामिन B1 एंड B12 बोथ हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम अवर फूड, बट विच अदर फंक्शन डज B12 हैव। B1 B12 दोनों एनर्जी रिलीज करते हैं फूड से, लेकिन यहाँ पर कौन सा फंक्शन है जो ओनली B12 करेगा? B1 नहीं करेगा, थायमिन नहीं करेगा, लेकिन B12 करेगा। हेल्दी आई साइट, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम या फिर हेल्दी स्किन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल मॉर्निंग हम सेम टाइम पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।